गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा लव्स फैशन। कैसे हो आप सब? आई रियली होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। सो इन टुडेज वीडियो, आज मैं आप सबके साथ क्या शेयर कर रही हूँ, ये तो आपने ऑलरेडी थंबनेल और टाइटल से आई नो देख लिया होगा। सो गाइस, आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ ज़िवामे लॉन्च शॉपिंग हॉल। सो एज यू कैन सी गाइज, मैंने ज़िवामे से खूब सारी शॉपिंग की है। सो मेक श्योर वीडियो में एंड तक बने रहे। एंड गाइज, आज रात 8 बजे से ज़िवामे पे स्टार्ट होने वाली है द जेड पार्टी सेल, जिसमें आपको अप टू 70% ऑफ मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हैं नेहा ज़िवामे, तो आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो मुझे पता है आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो वीडियो देखने के लिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम बात करेंगे कि सारे प्रोडक्ट्स हमें किस तरह से रिसीव होते हैं। सो एज यू कैन सी, एक बड़े से बॉक्स में मुझे मेरे सारे प्रोडक्ट्स रिसीव हुए हैं। तो ऑर्डर करने के 3 से 4 दिन के अंदर मुझे मेरे सारे प्रोडक्ट्स यू नो एक बॉक्स में रिसीव हो गए थे पूरे सेफ्टी के साथ। सो गाइस, आपको आपकी सारी ब्राज इस तरह की यू नो पैकेजिंग के साथ रिसीव होगी। देन इसके बाद फर्स्ट हम बात करेंगे ब्लाउज ब्रा के बारे में, बिकॉज ये मैंने फर्स्ट टाइम यू नो परचेज की है। गाइस, आपने देखा होगा रिसेंटली मैंने एक साड़ी ली थी रेड कलर की, एंड गाइस उस पे मैंने ये मैचिंग ब्लाउज लिया है जो कि ये ब्लाउज ब्रा है। एंड गाइस, लुक एट द डिजाइन, मतलब ये वायर फ्री ब्रा है, नेट में इसका डिजाइन है। गाइस, कुछ इस तरह से ये है और ऊपर का एरिया जो है ये आपको नेट का मिल जाएगा, साथ में छोटी छोटी आपको स्लीव्स मिल जाएंगी। फ्रंट से इसका डिजाइन कुछ इस तरह से है, लाइट पैड्स के साथ है, वायर फ्री ब्रा है तो बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल हो जाती है ये। तो गाइस, साइड में यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से डिजाइन मिलेगा। और जब मैंने इसे रेड कलर की साड़ी के साथ यू नो व्यर किया गाइस, बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी। साइड में मैं पिक्चर मेंशन कर दूंगी, वो आप देख लेना। तुम गाइस, ये फुल कवरेज ब्रा है तो काफी ज्यादा सुंदर लगेगी। लाइक मैंने पिक्चर देखी थी ज़िवामे पे जब मैं परचेज कर रही थी, जैसे मैंने पिक्चर में देखी थी सेम एग्जैक्ट मुझे ये वैसी रिसीव हुई है, एंड ये मुझे काफी ज्यादा पसंद आई। अंदर से आपको कुछ इस तरह से यू नो शोल्डर पे से और बैक पे से आपको स्ट्रैप मिल जाएगी लाइक दिस, जिसे आप एडजस्ट भी कर सकते हो। और बैक पे से बात करें इसके डिजाइन की, तो कुछ इस तरह से आपको डिजाइन मिलेगा। लाइक यहाँ से आपको अगर ये टेंशन हो कि यार ये ब्लाउज ब्रा है बट है तो ब्रा ना, तो स्ट्रैप दिखेगी। तो गाइस, लुक एट द डिजाइन, बैक पे से कुछ इस तरह से मिलेगा, जिससे यहाँ पे आपको कोई स्ट्रैप नहीं मिलेगी। और साइड में आपको इस तरह से चेन मिल जाएगी, बैक साइड से बहुत ज्यादा सेक्सी लग रही है ये। गाइस, वेयर करने के बाद मुझे काफी पसंद आई। तो अगर आपकी मैरिज होने वाली है या फिर वेडिंग सीजन स्टार्ट हो गया है, आपको अपनी साड़ी से मैचिंग ब्लाउज ब्रा लेनी है guys, डेफिनेटली इसे चेक कर सकते हो। इसमें आपको काफी अच्छे अच्छे कलर्स भी मिल जाएंगे। सो फर्स्ट है मेरी ये ब्लाउज ब्रा जो कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई। देन गाइज, इसके बाद मैंने यहाँ पे ली है एक स्पोर्ट्स ब्रा। तो अगर आप एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, अगर नहीं करती है तो थोड़ा सा टाइम अपनी हेल्थ के लिए भी निकालिए। और जब भी एक्सरसाइज करते हैं गाइज, अगर आप पार्क वगैरह जाते हैं या फिर घर पे ही आप एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, बट स्पोर्ट्स ब्रा नहीं वेयर करते, तो भाई ऐसा मत कीजिए। इससे आपके बस्ट को काफी अच्छा सपोर्ट मिलता है एक्सरसाइज करने के टाइम। तो गाइज, नेक्स्ट मैंने ली है ये स्पोर्ट्स ब्रा जो कि इतने अच्छे डिस्काउंट में आपको मिल रही है, लाइक अप टू 70% ऑफ तो चल ही। साथ ही साथ अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करोगे तो एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट और मिल जाएगा। तो देर किस बात की है, जल्दी से पूरी वीडियो देखने के बाद ऑर्डर जरूर करना और मुझे बताना इंस्टाग्राम पे। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल नेम है @NehaLovesFashion। तो गाइस, नेक्स्ट मैंने स्पोर्ट्स ब्रा ली है जो कि कुछ इस तरह से है। और हाँ, अगर आप स्पोर्ट्स ब्रा या फिर कोई भी ब्रा वगैरह ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो, जैसे मैंने यहाँ पे नाइट सूट भी लिया है, कुछ भी ले रहे हो, साइज चार्ट जरूर चेक कर लेना। सो गाइस, नेक्स्ट मैंने ये ब्रा ली है और जो इसके स्ट्रैप्स है ना, ये आपके बस्ट को काफी अच्छे से यू नो सपोर्ट करते हैं एक्सरसाइज करने के टाइम। तो अगर आप रनिंग कर रहे हो, जॉगिंग कर रहे हो, घर पे एक्सरसाइज कर रहे हो, गाइस आपको स्पोर्ट्स ब्रा जरूर वेयर करनी चाहिए, काफी अच्छी आपको प्राइस में मिल रही है। तो नेक्स्ट मैंने स्पोर्ट्स ब्रा ली है जो कि फ्रंट से कुछ इस तरह से है और यहाँ पे आपको इस तरह से यू नो डिजाइन मिल जाएगा, एंड बैक साइड से कुछ इस तरीके से है जिस तरह से नॉर्मल ब्राज आती है, और साथ ही साथ यहाँ से आप स्ट्रैप्स को यू नो एडजस्ट भी कर सकते हो। सो नेक्स्ट है ये स्पोर्ट्स ब्रा। नाउ गाइस, इसके बाद मैंने ली है टी शर्ट ब्रा जो कि कुछ इस तरह की पैकेजिंग के साथ मुझे रिसीव हुई है। तो गाइस, कुछ इस तरह से ये है, एंड यू कैन सी मैंने यहाँ पे न्यूड कलर लिया है जो कि अगर मैं टी शर्ट्स के साथ वेयर करूँ, लाइक लाइट कलर की टी शर्ट हो, डार्क कलर की हो, सबके साथ ये जाएगा कलर। सो कुछ इस तरीके से है, और जो इसके कप्स है गाइस, बहुत ज्यादा लाइट वेटेड है, मीन्स आपको काफी ज्यादा कंफर्टेबल ये रहेगी जब आप इसे वेयर करोगे। प्लस ये वायर ब्रा है, कुछ इस तरीके से आपको यू नो वायरिंग यहाँ पे मिल जाएगी, जिससे आप
आपके बूब्स को काफी अच्छा सपोर्ट मिलेगा। अगेन स्ट्रैप्स पे से आप इसका साइज एडजस्ट कर सकते हो ना, कुछ इस तरीके से है। एंड जो भी ब्रा हम खरीदते हैं उसकी मेन चीज होती है यार, बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होनी चाहिए, सॉफ्ट होनी चाहिए। सो गाइज लुक एट द पैड्स, काफी ज्यादा सॉफ्ट है। जैसे जब आप इसे वेयर करोगे तो ये आपको काफी ज्यादा कंफर्टेबल फील होगी। और गाइज अगर आपके साथ ये मिस्टेक हो रही है कि मतलब आप रॉन्ग साइज की ब्रा वेयर करते हो, तो उसके क्या चीजें आपको दिखेंगी, स्ट्रैप्स यहाँ पे आपको निशान कर देंगे। एंड अब बस्ट आपके जो स्ट्रैप्स के निशान होते हैं वो हो जाएंगे। सो मेक श्योर कि जो आप ब्रा वेयर कर रहे हो वो आपकी करेक्ट साइज में हो। और फिर भी अगर आपको डाउट लग रहा है आप किसी भी लॉन्जरी स्टोर में जाके चेक कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं कि आपका ब्रा का साइज जो आप वेयर कर रहे हो वो सही है या गलत। सो गाइज नेक्स्ट है मेरी ये ब्रा। नाउ गाइज इसके बाद जो मैंने अभी आपको ब्रा दिखाई है उसी में मैंने एक और कलर लिया है जो कि ब्लैक इन कलर है। गाइज ये मैंने किस लिए लिया है, बिकॉज ब्लैक कलर के मेरे पास काफी सारे आउटफिट्स हैं। एंड गाइज ट्रस्ट भी बहुत ज्यादा अच्छी है। तो ये कुछ इस तरीके से है। एंड गाइज अगेन जो इसके पैड्स हैं वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। ये अंडर वायर ब्रा है, कुछ इस तरीके से आपको वायरिंग मिल जाएगी जिससे आपके बूब्स को काफी अच्छा सपोर्ट मिलता है। एंड जो इसका मटेरियल है ना गाइज स्पेशली, वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। और साथ ही साथ इसके बाइंग लिंक्स जो भी मैं आपको दिखा रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, चेक जरूर कर लेना। नेक्स्ट इसके बाद गाइज मैंने यहाँ पे साड़ी शेपर परचेज किया है, बिकॉज मेरी काफी टाइम से मन में था कि मैं परचेज करूँ, जो कि स्पेशली अगर आपकी मैरिज होने वाली है ना, तो गाइज मैं आपको बोलूंगी ये जो पेटीकोट वगैरह आप पहनते हो भाई उनसे छुटकारा मिल जाएगा, ये काफी ज्यादा कंफर्टेबल रहेंगे। प्लस जो एक साड़ी वेयर करने के बाद एक हैवी हैवी सा लुक आता है वो नहीं आएगा, बहुत ज्यादा अच्छी शेप आएगी इसमें आपकी। तो गाइज यहाँ पर मैंने 3 ये परचेज की है, 2 मैंने न्यूड काइंड परचेज किए हैं न्यूड कलर में, एंड 1 मैंने ब्लैक कलर में परचेज किया है, जो कि एक एक करके मैं दिखाऊंगी। सो गाइज कुछ इस तरह से है ये। और बात करें इसका जो साइज है ना, ऊपर से आपको ये रबर काइंड मिलेगा, तो गाइज ये साइज आपका एडजस्ट हो जाएगा और आपकी बॉडी को बहुत अच्छी शेप देगा, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लगेगा जब आप इसे साड़ी के साथ वेयर करोगे, क्योंकि एक परफेक्ट वाली शेप आ जाती है। सो ऊपर से आपको हिप्स तक इस तरीके से रबर काइंड शेप मिलेगा, जिस तरह से शेप वियर वगैरह आते हैं। नीचे आपको नी के पास से कट शुरू हो जाएगा जो कि नीचे तक जाएगा, तो गाइस ये चीज मुझे काफी अच्छी लगी, लाइक बोरिंग पेटीकोट वगैरह वियर करने की जरूरत नहीं है। सो गाइस इसके लिए अगर आपकी मैरिज होने वाली है या फिर अगर आपके घर में शादी है, डेफिनेटली इसे परचेज करना। देन इसके बाद गाइस इसमें मैंने यहाँ पे एक ब्लैक कलर भी लिया है, जो कि मेरी ब्लैक साड़ी मुझे भाई बहुत ज्यादा पसंद है, मेरी ब्लैक साड़ी के साथ ये मैचिंग जाएगा। तो गाइस अगेन साइज इसमें भी आपको स्मॉल मीडियम लार्ज एक्सेल इस तरह से साइज मिलेंगे, तो साइज चार्ट एक बार जरूर चेक कर लेना। नेक्स्ट इसके बाद मैंने साड़ी शेपर ये ब्लैक कलर में लिया है, जो कि अगेन हिप्स तक आपको इस तरीके से रबर काइंड मिलेगा। देन इसके बाद यहाँ से आपको ये ओपन मिलेगा और बीच में आपको नी के पास से एक कट शुरू हो जाएगा इस तरीके से, जो कि आपकी साड़ी वेयर करने के बाद ना परफेक्ट वाली शेप आने वाली है। सो डेफिनेटली एक तो आप जरूर परचेज करना। सो इसके बाद गाइस मैंने एक और साड़ी शेपर लिया है जो कि इस तरीके से है। गाइज इसका जो मटेरियल है ये स्पेशली मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। एंड बात करें मैंने इसमें मीडियम साइज लिया है साइज चार्ट को चेक करके, तो गाइज यहाँ पे मैंने आपको दिखाने के लिए 2 मंगाए हैं कि ये तो सीधा स्ट्रेट जाएगा, जबकि ये जो दूसरे वाला है ये आपको इस तरीके की शेप में आएगा। सो नेक्स्ट अगेन आपको हिप साइज तक इसमें रबर काइंड शेप मिलेगी, जो कि शेपियर की तरह वर्क करता है। देन इसके बाद नेक्स्ट वाले में आपको स्लिट्स दिखने लग गई गाइस यहाँ पे, और ये उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा ओपन टाइप में है। तो गाइस नेक्स्ट मैंने लिया है ये, जो कि अगेन ये साड़ी शेपर तो भाई मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई। तो गाइस इसमें भी मैं आपको बोलूंगी कि साइज अपना जरूर चेक कर लेना। एंड गाइस लुक एट द कॉलर, कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है ये, बिकॉज जो इनका मटेरियल होता है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है। तो गाइस नेक्स्ट ये है मेरा नाइट सूट, अगेन इसमें मैंने स्मॉल साइज लिया है अपना साइज चार्ट चेक करके। तो ये तो था इसका टॉप। एंड बात करें अब बॉटम की, सो गाइस ये है बॉटम जो कि काफी ज्यादा क्यूट है। सो गाइज ये था मेरा ज़िवामे शॉपिंग हॉल, आई रियली होप कि आपको काफी पसंद आया हो। एंड गाइज ज़िवामे पे आज रात 8 बजे सेल स्टार्ट होने वाली है, जिसमें आपको अप टू 70% डिस्काउंट मिलेगा। प्लस मेरा कूपन कोड नेहा ज़िवामे जरूर यूज करना, उससे आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, मतलब टोटल आपको 80% अप टू 80% डिस्काउंट मिल रहा है। तो जल्दी से शॉपिंग कीजिए और मुझे कॉमेंट्स करके जरूर बताना कि आपने क्या क्या खरीदा है और यहाँ पे आपको क्या चीज सबसे ज्यादा पसंद आई है। मुझे तो जो रेड ब्लाउज पड़ा है गाइज, वो मुझे
मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है। आपको क्या पसंद आया है वो मुझे कॉमेंट्स करके बताना, और अगर आपको रेड क्रा पसंद आई है तो मुझे कॉमेंट बॉक्स में रेड हार्ट ज़रूर सेंड करना। सो गाइज ये थी मेरी आज की वीडियो, आई रियली होप कि आपको पसंद आई हो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, ताकि ज़िवामे भी इतनी अच्छी सेल चल रही है, अप टू 80% आपको टोटल मिलेगा, तो वो भी खूब सारी शॉपिंग कर सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और उसके साइड में छोटी सी घंटी है उस पर प्रेस कर देना, जिससे आपको मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। सो मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय।